में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड की शॉर्टकट की बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल के साथ प्रयोग होने वाली ए से जेड तक, कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक के जितने भी शॉर्टकट है एमएस वर्ड में प्रयोग होने वाली, सबके बारे में विद प्रैक्टिकल विस्तार से बताया था। आज हम एमएस वर्ड की 150 से अधिक शॉर्टकट के बारे में जानेंगे, जिसमें ये पहली सीरीज है और ये कंटिन्यू चलेंगे। आगे 150 से अधिक शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड में काम आने वाली, बहुत ही उपयोगी है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्टकट की के बारे में। तो पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ये राइट ब्रैकेट, जो राइट बिग ब्रैकेट है ये कंट्रोल के साथ यदि हम दबाएंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। यानी फॉन्ट साइज हम वरना तुम क्या करते हैं होम टैब में जाके और यहाँ से साइज बढ़ाते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, केवल टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जो भी टेक्स्ट पे, और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट का हम चिन्ह दबाएंगे। देख लो मैं बिग ब्रैकेट दबा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रही है। तो ये कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट का जो चिन्ह है राइट साइड का, ये फॉन्ट साइज बढ़ाने का मतलब है। इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस लेफ्ट जो ब्रैकेट है ये डिक्रीज करता है फॉन्ट साइज को, यानी कम करेगा, इंक्रीज बढ़ाना और डिक्रीज मतलब घटाना। तो ये मैं कंट्रोल के साथ यदि लेफ्ट वाला बताऊंगा लेफ्ट वाला ब्रैकेट, तो ये फॉन्ट साइज कम हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, दोनों आप याद रखना, बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं हम इसके द्वारा फॉन्ट साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल लेफ्ट से कम होगी और कंट्रोल जो राइट ब्रैकेट है उससे बड़ी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है। फिर अगला है कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड क्या करेगा, यदि हम कंट्रोल की के साथ एंड की दबाएंगे, कीबोर्ड में होम और एंड एंड की होती है, तो एंड की के साथ क्या करेगा, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा, हम फर्स्ट पेज पे यानी पहले पेज पे टॉप पर ऊपरी ऊपर रहेंगे, ठीक है ना। तो यदि हम मान लो लास्ट में बीच में कहीं पर भी है और हमें एकदम से टॉप पर पहुंचना है, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंचना है, तो हम कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंच जाएंगे। और यदि हमें अंत में जाना है सबसे लास्ट में, तो हम कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो हम डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाएंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। जी मेरी फाइल है, इसमें हम फिलहाल मैं यहाँ बीच में लेता हूँ, मैं हमारा कर्सर यहाँ पे, हम यहाँ पे हैं। यदि मैं अब यहाँ कंट्रोल प्लस होम दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस होम में दबा रहा हूँ, होम दबाते हैं आप देख सकते हो पहले पेज पे और सबसे टॉप पर आ जाएगा स्टार्टिंग में। आप देख सकते हो यहाँ पे पेज के नंबर बता रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट में 16 पेज है और हम फिलहाल पहले नंबर पेज पे आ चुके हैं। तो मैंने कंट्रोल होम दबाया, ये आ चुका। यदि हम अंत में जाना चाहते हैं अब, तो हम कंट्रोल के साथ एंड की दबाएंगे, कंट्रोल के साथ एंड की दबाऊंगा, तो आप देख सकते हो हम लास्ट के पेज पे आ चुके हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 16 है, ऑफ 16 पेज हमारे देखें, हम 16 पेज पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में और अंत में बहुत ही तेज़ी से आ सकते हैं। इसके ये शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ होम की और एंड की। होम की से हम प्रारंभ में आ जाएंगे और एंड की से कंट्रोल के साथ डॉक्यूमेंट की अंत में आ जाएंगे। फिर अगली शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल। जी हाँ, यदि हम कंट्रोल बटन के साथ माउस का स्क्रॉल बटन दबाएंगे, ये जो माउस का स्क्रॉल है आप जानते हैं माउस में बीच में स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है, उसको यदि हम दबाएंगे तो जूम इन जूम आउट होगा, मतलब जूम में कमी और ज़्यादा हम कर सकते हैं स्क्रॉल करने पर। तो मैं कंट्रोल की दबाए रखता हूँ और कंट्रोल की दबाए रखते हुए और माउस का जो स्क्रॉल है बीच में जो घुमाने का, उसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ जूम में इन और आउट दोनों हो हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्टकट है डॉक्यूमेंट को यदि हम जूम करना चाहें बहुत ही अच्छी गति से, तो हम यहाँ कंट्रोल के साथ और माउस का स्क्रॉल बटन दबा के आसानी से कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट है F7। F7 जी हाँ, फंक्शन कुंजी, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर टॉप पर F1 से F12 तक 12 फंक्शन कुंजी होती है, उनमें मैं आज बता रहा हूँ आपको F7 फंक्शन कुंजी। तो F7 फंक्शन कुंजी क्या काम आती है, चेक स्पेलिंग। यदि हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो F7 फंक्शन कुंजी कार्य होगा स्पेलिंग चेक करना। जैसे मान लो मैंने कोई स्पेलिंग लिखी और ये मान लो हमें कन्फ्यूज है कि गलत है सही है, हम इसको चेक करना चाहते हैं हमारी गलत है या सही है, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से F7 बटन दबाएंगे। जो ही हम F7 बटन दबाएंगे आप देख सकते हो ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और ये स्पेलिंग हमारे बताता है कि सजेशंस यहाँ पे देगा कि ये इसकी सही स्पेलिंग ये होगी। देख सकते हो आप, यहाँ मैंने स्टूडेंट लिखना चाह रहा था लेकिन यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो यहाँ सजेशंस में यहाँ बता रहा है कि ये इसकी सही सजेशंस है। और इसको यदि मैं बदलना चाहूँ, इसे सही करना चाहूँ, तो यहाँ चेंज पे मैं क्लिक कर सकता हूँ और चेंज पे क्लिक करते ही स्पेलिंग यहाँ पे सही हो जाएगी। आप देख सकते हो मैं यहाँ चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हो कि हमें F7 से
आगे भी करने के लिए बोला था, मैंने आगे भी चेक नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं एक शब्द को ही करके बता रहा हूँ। ऐसे हम पूरे डॉक्यूमेंट की चेक कर सकते हैं ऐप सेवन से स्पेलिंग चेक। तो ऐप सेवन से हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं बहुत ही तीव्र गति से, ठीक है। अगला है ऐप फाइव। ऐप फाइव क्या करता है, गो टू डायलॉग बॉक्स खोलता है। जो ही हम कीबोर्ड से ऐप फाइव दबाते हैं, ये देखो मैंने ऐप फाइव दबाया, तो ये गो टू फाइंड एंड रिप्लेस जो डायलॉग बॉक्स है ये गो टू टैब के अंदर खुल गया। तो गो टू टैब में हम पेज नंबर, हम जिस भी पेज पर जाना चाहते हैं वहाँ तुरंत जा सकते हैं। जिस पेज से हमारे डॉक्यूमेंट में मैंने बताया बहुत सारे पेज होते हैं, हम जिस भी पेज पर पहुँचना चाहते हैं तुरंत, तो हम केवल उस पेज नंबर को एंटर करके और उस पेज पर तुरंत ही जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिकल आपको बताऊँ, या मैंने पाँच लिखा तो हम तुरंत ही पाँचों पेज पर पहुँच जाएंगे। गो टू करती है, ये हमारा पाँचों पेज आ चुका, आप देख सकते हो ये हमारा पाँचों पेज है। यहाँ आप देख सकते हो स्टेटस में पाँचों पेज है हमारे डॉक्यूमेंट में 16 पेज। तो इस प्रकार से हम तुरंत ही पहुँच सकते हैं। तो एफ फाइव के द्वारा हम गो टू डायलॉग बॉक्स है उसके द्वारा किसी भी पेज पर किसी भी लाइन नंबर पर भी तुरंत जा सकते हैं। फिर अगला है एफ बारह। एफ बारह फंक्शन मुझे क्या मतलब, सेवेज। सेवेज का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे लोकेशन पर या किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहें तो हम सेवेज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ये पहले से सेव है, यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्टकट ए टू जेड नाम से सेव है। यदि मैं इसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी लोकेशन पर या किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहूँ तो मैं एफ बारह फंक्शन कुंजी की सहायता से ये कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ कीबोर्ड से एफ बारह दोबारा फंक्शन कुंजी जो एफ बारह ये मैंने दबाया तो आप देख सकते हो सेवेज नाम से डायलॉग बॉक्स खुल चुका है और इसको मैं जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहूँ उस फोल्डर में सेव कर सकता हूँ, उसकी लोकेशन यहाँ बता सकता हूँ और जिस नाम से मैं यहाँ उसको सेव नया नाम यहाँ दे सकता हूँ उसको सेव बटन पर क्लिक करके मैं उसको नए नाम से सेव कर सकता हूँ। तो मैंने नए नाम से उसको सेव कर दिया। इस प्रकार से हम सेवेज भी कर सकते हैं। फिर अगला है डिलीट। डिलीट जो बटन होता है कीबोर्ड में आप सभी जानते हो, एक होता है बैक स्पेस एक होता है डिलीट। तो ये क्या काम आता है डिलीट, मैं आपको बता देता हूँ कि बैक स्पेस और डिलीट में अंतर आपको समझ लेना चाहिए। ये आपको मैं बता देता हूँ, जैसे शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्सर मेरा यहाँ पर है सबसे अंत में देख सकते हो आप, और यहाँ यदि मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, फिलहाल आप देखना ध्यान से समझना, मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो बैक स्पेस से एक एक अक्षर हट रहा है। और आप ध्यान देना कर्सर की बाईं तरफ का, कर्सर का जो बाईं तरफ का है वो एक एक अक्षर हट रहा है बैक स्पेस दबाने से। यदि मैं कर्सर को यहाँ रख देता हूँ, आप देख सकते हो मैंने कर्सर को यहाँ रख दिया। अब यदि मैं डिलीट कुंजी दबाता हूँ, डिलीट ठीक है ना, कीबोर्ड में डिलीट जो कुंजी है वो दबा रहा हूँ, तो कर्सर के दाईं तरफ का यानी कर्सर के ऊपर जो कैरेक्टर है वो एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहे हैं, एक एक दाईं तरफ की आप देख सकते हो राइट साइड की हो रहे हैं डिलीट कुंजी से। तो डिलीट कुंजी से तो राइट साइड के होते हैं और बैक स्पेस से बाएं साइड की आप देख सकते हो। इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया कि डिलीट कुंजी है वो कर्सर के ऊपर यानी राइट साइड के एक एक अक्षर को उठाने काम आती है, और जो बैक स्पेस है वो कर्सर के जो पहले के कर्सर के पहले के जो एक एक अक्षर है उसको मिटाने काम आती है। फिलहाल मैं इसको वापस ले आता हूँ, ये बात आप समझ गए। अगला जो है ये आप ध्यान से समझ रहे हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट। अभी केवल डिलीट था, अब कंट्रोल प्लस डिलीट है। यदि हम डिलीट बटन का प्रयोग कंट्रोल के साथ करेंगे तो होगा क्या, एक एक वर्ड डिलीट होगा। ये आपको पता है कि डिलीट कुंजी है वो कर्सर के दाईं तरफ यानी कर्सर के ऊपर जो स्थित होते हैं टेक्स्ट वो डिलीट होता है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, फिलहाल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है, पॉइंट से पहले है। तो यदि मैं कंट्रोल के साथ डिलीट दबाऊंगा, आप देखना कंट्रोल के साथ मैं डिलीट दबा रहा हूँ तो ये पूरा वर्ड एक बार में एक साथ डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा के मैं कंट्रोल डिलीट दबा रहा हूँ तो पूरा वर्ड एक साथ डिलीट हो गया। केवल डिलीट से केवल एक अक्षर डिलीट होता है, जबकि कंट्रोल के साथ डिलीट दबाने से एक पूरा का पूरा वर्ड एक साथ डिलीट हो जाता है। इसी प्रकार से कंट्रोल के साथ बैक स्पेस ये आप देख सकते हो, कंट्रोल के साथ यदि हम बैक स्पेस का प्रयोग करें तो क्या होगा, कर्सर से बैक स्पेस क्या करता है, कर्सर के पहले के अक्षर हटाता है, और कंट्रोल के साथ यदि हम बैक स्पेस दबाएंगे तो ये देख सो मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस तो एक एक शब्द पूरा का पूरा जो शब्द है वो एक एक शब्द एक बार में हटा रहा है बाईं तरफ की कर्सर की बाईं तरफ की। तो केवल आपको याद इतना रखना है कि बैक स्पेस है वो कर्सर की बाईं तरफ के अक्षर हटाता है और जो डिलीट है वो कर्सर के दाईं तरफ की, और इनको यदि हम कंट्रोल के साथ प्रयोग करेंगे तो ये पूरे शब्द को हटाता है और केवल सिंगल यदि हम दबाएंगे तो वहाँ केवल एक एक अक्षर को वहाँ डिलीट करता है। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जो कमेंट में जरूर बताएं। आगे हम फिर नई शॉर्टकट के साथ आने हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।